अच्छा सर, लेकिन मैं मजबूर हूँ प्रधान जी से। ठीक है, आपकी गलती नहीं है, जिसकी गलती है उसको हम सजा देंगे। ओ, आके इन 10 लोगों के साथ हमारे पास रोज दबाव बनाते हैं, सब चीज करते हैं। आपको दबने की जरूरत? अच्छा, आज खाना नहीं मिला? आज खाना नहीं मिला? सही बता देना इसका फोटो। यहाँ पे काफ़ी खामियाँ मिली, जिनमें सबसे बड़ी खामी तो ये मिली कि यहाँ के जो प्रधान अध्यापिका हैं वो कई महीनों से जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, प्रधान हैं, उनको बार बार कह रही हैं कि जो खाते हैं, जो MDM का खाता है, उसमें से पैसा निकालना की ज़रूरत है, क्योंकि बिना पैसे निकाले MDM बन नहीं पाएगा। और इसी वजह से बेहद समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। और हालत ये हो गई है कि 14 अक्टूबर के बाद यहाँ पे MDM एक दिन भी नहीं बना है। जब हमने यहाँ पे निरीक्षण किया औचक, तो उसमें पाया गया कि बच्चे अपना अपना टिफ़िन लेके आने के लिए मजबूर हैं, जो कि शासनादेश और शासन की मंशा के बिल्कुल बेहद विपरीत है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि कई बार इन्होंने शिकायत दी है, इन्होंने कई बार प्रधान को शिकायत की है, कई बार इन्होंने जो खंड शिक्षा अधिकारी उनको शिकायत की है, SDI को शिकायत की है, लेकिन आज तक इनकी सुनवाई नहीं हो पाई। और प्रधान ने यहाँ उस चेक को साइन करने से मना कर दिया। जो लास्ट साइन इन्होंने किया था वो करीब 3 महीने पहले साइन किया था, उसके बाद 3.5 महीने गुजर गए हैं, पैसा निकाल नहीं पाए हैं। खाते में पर्याप्त पैसा उपलब्ध है और उपलब्धता के बावजूद ये जानबूझ के किसी वजह से ये चेक पे साइन नहीं कर रहे हैं, जिससे पैसा नहीं निकल रहा है तो विद्यालय के बाकी काम नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः MDM का नहीं बन पाना एक बड़ा चिंता का विषय है। उसके बाद हमने देखा कि शौचालय की स्थिति बेहद ही ख़राब है, दोनों शौचालयों में काफ़ी समय से शायद प्रयोग में नहीं लिए जा रहे हैं, बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं है। उसके लिए भी हमें शिकायत मिली है कि कई बार शिकायत की गई कि प्रधान से की सफाई करवाएं, इसका रखरखाव करवाएं, पानी की व्यवस्था करवाएं, वो भी प्रधान ने नहीं करवाई है। इसकी वजह से बच्चों को बाहर शौच करने के लिए विवश होना पड़ रहा है, जो कि बेहद ही आपत्तिजनक है। सर, आपके द्वारा क्या उचित कार्रवाई की जाएगी? अभी इसके खिलाफ हम रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट हम जिलाधिकारी को भेजेंगे। तो ना ही सिर्फ यहाँ के प्रधान बल्कि यहाँ के जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं और जो भी संबंधित अधिकारी हैं जिन्होंने इन शिकायतों को अनदेखा किया है, सभी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की संतुति की जाए। लेकिन मैं मजबूर हूँ प्रधान जी से। ठीक है, आपकी गलती नहीं है, जिसकी गलती है उसको हम सजा देंगे। ओ, आके 10 लोगों के साथ हमारे पास रोज दबाव बनाते हैं, सब चीज करते हैं। आपको दबने की जरूरत? अच्छा, आज खाना नहीं मिला? आज खाना नहीं मिला? सही बता देना इसका फोटो।